राधे राधे। हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दिवाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसको काली चौदस भी बोला जाता है, जिसको यम चौदस भी बोला जाता है, जिसको रूप चौदस भी बोला जाता है, कितने सारे नाम है ना, सभी की अनंत और अनंत शुभकामना। आज की वीडियो में मैं आपको पूजा विधि नहीं बताने वाली कि नरक चतुर्दशी पर किस प्रकार पूजा करें। ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दो वीडियो डाल चुकी हूँ कि नरक चतुर्दशी पे पूजा अर्चना बनना आपको कैसे करनी है, आज की वीडियो में बताऊंगी। जैसे त्रयोदशी पे 13 दीपक जलाने का महत्व होता है, वैसे ही चतुर्दशी तिथि पर 14 दीपक जलाने का विशेष और विशेष महत्व होता है। 14 दीपक आपको कहाँ पे जलाने हैं, किस स्थान पे जलाने हैं, तेल के जलाने हैं कि घी के जलाने हैं, तिल के तेल के जलाने हैं है या सरसों के तेल के जलाने हैं, लंबी बत्ती के जलाने हैं, गोल बत्ती के जलाने हैं, कहाँ पे रखने हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली। सबसे पहले तो शाम होने के बाद आपको काली माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर आप काली माता के मंदिर जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर पे ही काली माता है तो उनकी भी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, क्योंकि इसको काली चौदस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आज के दिन आपको पहले अपने घर के मंदिर में 14 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक दीप प्रज्वलित नहीं करना, एक दीपक होता है यमराज का दीपक, तो 14 दीप प्रज्वलित करने हैं। उसमें से कुछ दीपक आप सरसों के तेल के प्रज्वलित करोगे, कुछ दीपक आप घी के प्रज्वलित करोगे, कुछ दीपक आप तिल के तेल के प्रज्वलित करोगे। तो सरसों के दीपक, सरसों के तेल के जो दीपक हैं जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं, वो दीपक आपको प्रज्वलित करके कहाँ कहाँ पे रखना है। नंबर एक, कूड़े के पास एक दीपक जलाना है इस दिन, जो कि सरसों के तेल का लंबी बत्ती का होना चाहिए। जो भी आपका कूड़ा घर हो, यहाँ पे भी आप कूड़ा रखते हो, वहां पर एक दीपक जलाइए जो कि लंबी बत्ती का होना चाहिए, जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन दूसरा दीपक आपको यमराज के दीपक जलाना है, चतुर्मुखी दिया जलाना है, अर्थात चार बत्तियों का जलाना है। और आज के दिन, वैसे तो अगर आपने 5 दिवसीय संकल्प नहीं ले रखा तो आज के दिन आप यमराज के निमित्त दीपक अवश्य जलाइए। कहते हैं जो आज के दिन यमराज के निमित्त दीपक जलाते हैं उनको यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं, तो यमराज के निमित्त आप दीपक अवश्य जलाइए। ए वो चतुर्मुखी दिया होता है, वो भी सरसों के तेल का ही होता है। तीसरा दिया जो सरसों के तेल का आपको जलाना है, वो आपको अपने पितरों के नाम का जलाना है, और वो आकाश दीप दान करना है, और वो छत पे जाके जलाना है, आकाश दीप दान, तो वो भी सरसों के तेल का होगा। चौथा दीपक आपको माँ काली के लिए अपने घर के मंदिर में जलाना है, या फिर आप माँ काली के मंदिर में भी जला सकते हैं, और वो भी लंबी बत्ती का होगा, और वो भी सरसों के तेल का होगा। तो ये चार दीपक आपको सरसों के तेल के जलाने हैं। पांचवा दीपक एक और आप सरसों के तेल का जला सकते हो, अगर आप पीपल पर दीपक जलाना चाहते हो तो पीपल पर भी दीपक जला के आ सकते हो, और वो भी सरसों के तेल का होगा। तो ये पांच जगह आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। पांचों के पांचों जो दीपक हैं वो लंबी बत्ती के हैं, बस यमराज के निमित्त जो दीपक जल रहा है वो आपको चतुर्मुखी जलाना है, बाकी आप एक एक सिंगल सिंगल बत्ती का जला सकते हैं। अब बारी आती है घी के दिए आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं। तुलसी मैया पे आपको घी का दिया जलाना है, अपने घर की तिजोरी घी को थोड़ा सा घी का दिया जला के मंदिर के मंदिर वाले कक्ष में रखना है। अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाना है, तीन दिए हो गए, पहले तुलसी मैया पर एक घी का दिया, दूसरा घर का जो मंदिर है वहां पे घी का दिया, ये गोल बत्ती का होगा, ठीक है ना। तिजोरी में एक घी का दिया, मतलब तिजोरी को दिखाते हैं उस कमरे में रख दीजिएगा, वो भी गोल बत्ती का होगा। तीसरा दिया, ठीक है ना। चौथा, अपने किचन एरिया में जिसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहां पर आपको एक घी का दिया जलाना है। ये चार आपको घी के दिए अवश्य और अवश्य जलाने। अब बारी आती है तिल के तेल के दिए की। 5 और 4 9 हो गए, अब बाकी जो भी दीपक बचा वो आपको तिल के तेल के जलाने हैं। तिल के तेल के दीपक आपको कहाँ कहाँ पे जलाने हैं, कोई भी देवालय आपको मिल रहा है, मतलब शिवालय मिल रहा है, भगवान शिव का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, किसी का भी मंदिर है, वहां पे जाके आपको तिल के तेल का एक दीपक जला के आना है। अगर मंदिर मंदिर स्थान पे नहीं गए तो आपका यहाँ पे आरओ लगा होता है, बड़े सारे लोगों के घर पे आरओ लगा होता है, जहाँ पे पानी पीने का स्थान होता है ना वहां पे जला सकते हो। नदी इत्यादि आपके घर के आसपास है तो वहां पे जला सकते हो। घर के हर एक कमरे में तिल के तेल का दीपक जलाना है। एक तिल के तेल का दीपक आकाश दीप दान करना है, जिसको भगवान विष्णु के निमित्त आपको जलाया जाता है, वो आकाश दीप दान ही आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास बट वृक्ष, कदम वृक्ष, केले का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, आम का वृक्ष, इनमें से कोई भी वृक्ष है तो आप जाके तिल के तेल का दीप जरूर प्रज्वलित करके आइए। बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम आपके लिए माना जाएगा तिल का तेल, आप जाइए और तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करके आइए।
नेक्स्ट और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक दिया आपको अपने घर के मंदिर में भी जलाना है, वो चमेली के तेल का जलाना है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार ऐसा भी वर्णन आया है कि चतुर्दशी वाले दिन, कार्तिक महीने की जो चतुर्दशी है, इसमें भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव भी बोला जाता है, तो उनके नाम का भी एक चमेली का दीपक लंबी बत्ती का उनके नाम का जरूर जलाइए। तो ये जो सारे के सारे, चाहे आप सरसों के तेल का दीपक जलाओ, चाहे आप घी का दीपक जलाओ, चाहे आप तिल के तेल का जलाओ, इन सभी दियों में थोड़े से ना 10-12 या फिर 20 के आसपास लौंग ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, एक एक चुटकी लौंग का पाउडर अवश्य डालिए, क्योंकि ना जब दिवाली होती है ना तो ब्रह्मांड में बड़ी सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती है, तो जब हम आप ये दीपक जलाएंगे ना और थोड़ा सा लौंग का चूरा इसमें पड़ा होगा, लौंग का पाउडर पड़ा होगा, तो ये बहुत पॉजिटिव साउंड करेगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा का इसमें समावेश होएगा, बहुत सकारात्मकता आएगी, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो यमराज के निमित्त दीपक जलना है उसमें काले तिल डालने हैं, उसमें आपको पीली सरसों डालनी है, उसमें एक या दो का सिक्का डालना है, बाकी जो भी दिए आप जला रहे हो सबको आसन जरूर दो। आसन के लिए आप चावल का उपयोग जरूर कर सकते हो, उन चावल को इकट्ठा करके किसी सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए, क्योंकि कहते हैं धरती माता सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन दीपक का जो ताप है वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए सभी के सभी दीपक को आसन दीजिए नीचे, उसके ऊपर वो दीपक जलाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको 14 दीपक छोटी दिवाली पे जलाना है, 13 दीपक अपने घर के मंदिर में, एक दीपक घर के बाहर जो यमराज के निमित्त है वो घर के बाहर ही जलता है, बाकी 13 दीपक अपने घर के मंदिर में जला लीजिए। लेकिन चतुर्दशी वाले दिन, जिसको छोटी दिवाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है, 14 दीपक दान करने की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा कही गई है। तो आशा करती हूँ आप 14 दीपक दान अवश्य और अवश्य करोगे। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4292025। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4292025। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। आपके सही कंसीव करने के चांसेस कब है, क्योंकि मुहूर्त पे बच्चा कंसीव किया जाए तो बहुत योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आप नॉर्मली कंसीव करोगे या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव करना पड़ेगा, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही तो आप क्या उपाय कर सकते हो, आपके लिए कौन सा लकी कलर है, लकी नंबर कौन सा है, कौन सा स्टोन आपके लिए लकी, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे वैसे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। और देखो जैसे मैं ये बोलूंगी ना कि अगर आपको मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो फटाफट से भाग के मेरे पास, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल आगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल। क्योंकि जब ये मेरे पेट में थी मैंने इतनी वीडियो बनाई, क्योंकि ग्रंथ पढ़ती थी और ग्रंथ पढ़ते के साथ साथ ही वीडियो बनाती थी, ताकि वो उस ग्रंथों में जो अर्जित मैंने किया है वो आपको भी बता पाऊं। बेटा हरी बोल बोल दो, राधे राधे बोल दो, दोनों हाथ जोड़ के बोलो राधे राधे, सभी को हैप्पी दिवाली बोल दो, कह दो ओके बाय, राधे राधे, हरी बोल, ऐसे बोल दो राधे राधे, हरे कृष्णा।